मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो गाइस आज मेरे पास ढेर सारे काम है, तो एक एक काम दिखाऊंगा आप लोगों को और बने रहिए हमारे व्लॉग में। अभी नाश्ता करूंगा, उसके बाद जाऊंगा नीचे इसी की फैक्ट्री में। सो गाइस कुछ मंगाना है इसी अंकल को, तो कुछ लेने भी जाना पड़ेगा मार्केट, तो आप लोग दिखाता रहूंगा क्या क्या मैं लेने जा रहा हूँ। तो सो गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग में, लास्ट तक वीडियो देखिए, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। तो गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग। नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद ही जाऊँगा नीचे के लिए। नाश्ता में क्या है? पूड़ी है, अचार है। सो गाइस आप लोगों को दिखाता हूँ, ये पूड़ी, अचार, चाय। करते हैं नाश्ता। चाय बहुत अच्छी बनी है, तो चाय में पी के उसके बाद करता हूँ ढेर सारी बातें आप लोगों से। नाश्ता कर लिया है, तो उसके लिए मैं चलता हूँ नीचे के लिए, क्योंकि ढेर सारा काम पड़ा हुआ है उसे भी कंप्लीट कर। यार अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, मिस्त्री नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो इधर मैं बैठूंगा, फोन चलाऊंगा, उसके बाद देखता हूँ क्या काम बताते हैं, क्योंकि उनको मंगाना भी नहीं है। तो आज देख लेता हूँ कौन सा कलर हुआ अभी, और देख लेता हूँ कि कौन कौन सी गाड़ी कंप्लीट करवानी है, और साफ भी करवानी है, पनीर करवानी है। तो फिर से मैं कैमरे वाला इंसा कम्प्लीट करवाऊँगा, तो कैमरा भी पीछे लगेगा और आगे LED लगेगी। जो नहीं कार वाला फील आना चाहता ना, सब लोग जो कहते हैं ना, तो वो ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है इससे, तो वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो मैं तैयारी कर रहा हूँ कि क्या कहाँ पे लगेगी LED और कहाँ पे कैमरा लगेगा। तो उसके लिए अगर आपको परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1,30,000 ले आइए, ईरखा ले जाइए ऑन रोड, अगर आपको चाहिए हो तो बता देना मेरे को। ओके गाइस, और कमेंट कर देना, मैं आपको बात करने लूँगा, आपसे बात कर लूँगा, या मैं अपना नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से बात कर सकते हैं। और फिर अभी चलते हैं बाहर, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर उसके बाद ही काम हम करेंगे। अभी तो आई नहीं भैया, चलेगा स्कूटी, तो स्कूटी फिर आई उसके बाद ही जाऊंगा। अभी यहाँ स्कूल भी चालू हो गया हमारे यहाँ, नर्सिंग कॉलेज का स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी ऑन हो गया है, तो ढेर सारे मेरे पास काम होगा। अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है, अभी तो मैं थोड़ी देर बैठूंगा, कुछ सामान मंगाना भी नहीं है, तो मंगाने तक जाएंगे उसके बाद ही। देखते रहिए मेरा लास्ट ब्लॉग। मेरा ई रिक्शा गया नहीं है, क्योंकि वो लोग जो आएंगे वो धनतेरस के दिन लेने सोच रहे हैं ई रिक्शा, तो इसलिए वो लेने नहीं आए अभी। फिर भैया आए हैं, वो कुछ देख रहे हैं ई रिक्शे के बारे में, पूछ रहे थे, वो चले गए घर पे द्वारा, तो वो भी कह रहे धनतेरस के दिन ही लेंगे। तो सबसे ज़्यादा लोग धनतेरस के दिन निकालते हैं ई रिक्शा, और भी कोई सामान जो लेते हैं नया तो धनतेरस के दिन ही लेंगे। तो कंप्लीट करा के सारी ई रिक्शा यहाँ खड़ी करेंगे, बाहर बाहर तरफ खड़ी कर देंगे, तो उस दिन टेंट टेंट लगा दूंगा, तो वहाँ पर थोड़ा अच्छा भी लगेगा बाहर। अभी तो काफ़ी दोस्त लोग आ गए हैं, मेरे दोस्त आ गए कुछ लोग, उनसे मिल लूँ तुम्हें। और भाई बढ़िया, भाई लोग आ गए घूमने के लिए, स्टार्ट किया। हाँ भाई, कब कब ली बुलेट? ये नहीं, बस तुम्हारे पास आने के लिए। कब मिठाई खिलाए? क्या पता तुम डाल दे, डालेंगे वीडियो में पढ़ते हैं, लेकिन तो पता है दिखा देना अपनी फैक्ट्री हिस्से की। हाँ सब लोग यहाँ पड़ी हैं अभी, पापा भैया गए बाहर, हाँ भैया गए कोचिंग और पापा गए बैंक, तो सारी कंप्लीट हो रही है अभी, कोई कंप्लीट नहीं हुई लोग दिखाने के बाद मिलता हूँ। तो अभी चलते अंदर, पापा आ गए, थोड़ा देख लेता हूँ काम हम अपना, देखता हूँ क्या काम बता रहे हैं। अभी चार्ज नहीं है, स्कूटी चार्जिंग लगाई थी रात में, तो लगाना भूल गया हुआ मैं, हाँ मैं लगाना भूल गया था रात में, कि भैया गए थे राजेपुर तक, तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, काफ़ी गाँव वहाँ घूमे तो डिस्चार्ज हो गई, तो अभी लगा दूंगा। और एक स्कूटी भैया ले गए, फिर लगा के फिर उसके बाद मिलता हूँ। क्या पापा, वही पति कौन से बता रहे हो? पति कौन से बता रहे हैं? पति कौन से बता रहे हैं? साफ करने वाले मेरे वाले भैया, चार्जिंग लगा दूँ, कहीं जाना ही पड़ेगा अभी। अंकल ऑन पड़ी है वो स्कूटी, मंगाई नहीं मंगा था, चाबी है यहाँ से, रिमोट से ऑपरेट होती है गाड़ी। और ये चार्जर है इसका, ये चार्जर है इसका, 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। कहीं हमें पोर्ट करते हैं, चार्ज लगाते हैं, यहीं चार्ज होती है, हमें लगा दिया यहाँ पे। अब चार्ज होने के बाद ही यहाँ पे सामान लेकर आऊँगा। फिर अभी मैं कल गया था ना भैया, तो राजेपुर तक गए वो, और आके चार्जिंग लगाई नहीं खड़े करते, फिर दूसरी गाड़ी लेकर चले गए, वो भी जाकर रास्ते में बंद हो गई, क्योंकि उसकी भी चार्जिंग नहीं लगी थी, 3 दिन से चार्जिंग पर नहीं लगी बैटरी दोनों स्कूटी, तो दोनों बंद हो गए थे कल। तो फिर रात में वो गाड़ी चार्जिंग लगा दी, गाड़ी लगाना भूल गया मैं। जी भाई चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। लेकर आता हूँ जवाहरा पत्ता, क्योंकि थोड़ा काम भी रुक गया इसकी वजह से, तो अंकल ने कल बताया था मुझे, कल ध्यान नहीं रहा, तो अब मैं लेकर आता हूँ, सैंपल ले लिया है, अब रुपये ले लेता हूँ पापा से, उसके बाद फटाफट लेकर आता हूँ। स्कूटी डिस्चार्ज हो गई, तो भैया उनकी मोटरसाइकिल लेकर जा रहा हूँ यहाँ से फटाफट।
देखता हूँ कितने का पड़ेगा पत्ता, मिल जाएगा तो मैं फटाफट ले आऊँगा जाकर। पापा को रुपये दे दो, इसके रुपये दे दो। कहना मेट्रो लाना, अच्छा संग आया तुम, एक बार उनको दिखा लाओ कि कहाँ कहाँ धमा लाया। ठीक है, कितने हैं अब जितने का आए उतने दे देना उसको, ये जाना बोल के आगे उसके बाद बनाएंगे। रुपये भैया की दुकान पे, आप यहाँ से लेता हूँ ये पत्ता। भैया ये पत्ता है, हाँ कंपनी का चाहिए हमें, नहीं इससे भी अच्छी कंपनी है जो। हाँ दे दो, कितने का एक? 250 की दे दो, 250 रुपये का पूरा। अब यहाँ चलते हैं घर के लिए, पता देना है अंकल को, तो काम हमारा रुका हुआ है। ये पुराना वाला था, अजय नया है, ये पूरा उन्होंने बंडल ले लिया है, ये हमको पड़ा है 150 रुपये का। तो अब चलते घर के लिए, भैया ने बाइक मुड़ा ली है तो चलते घर के लिए। ये काम कंप्लीट हो गया है, दूसरा काम देखते हैं क्या है, और ध्यान नहीं आ रहा क्या दूसरा है तो देखते हैं। ये को रुपये पकड़ाने हैं 15,000 रुपये, उन्हें बैंक में डालने, किसी को देने हैं रुपये, तो उसके लिए मैं रुपये लेता हूँ दीदी से। दीदी कहते हैं भैया को देने के लिए रुपये 10,000 रुपये, 15,000 रुपये बताए लेकिन 10,000 रुपये मिले हैं मेरे को देने के लिए भैया को। तो भैया को रुपये दे कर आता हूँ नीचे, और वो बैंक तरफ जा रहे हैं, शायद मैं भी जा सकता हूँ उनके साथ, कोई पता नहीं है, पूछूंगा एक बार उनसे। थोड़ा और काम रह गया वो भी निपटा लूँ, उसके बाद फ्री हो जाऊँगा मैं बिल्कुल ही, फिर मेरे को कोई काम नहीं है। फिर नहीं गए तो उनका थोड़ा और काम था, सही गया फिर मैं भी नहीं गया, मैंने मना कर दिया, मैं कहा थोड़ा उनको और भी काम है, तो मैं क्या वहाँ पर करूँगा जाकर भैया साथ, तो फिर मैं गया ही नहीं हूँ। तो अभी देखता हूँ थोड़ा और काम रह गया वो भी निपटा देता हूँ, फिर उसके बाद फ्री हो जाऊँगा। यार आज ही सिलेंडर भरवाना है, सिलेंडर वगैरह खाली, तो उसके लिए ई रिक्शा देखा है, तो भैया वो आ रहे ई रिक्शे वाले, तो ई रिक्शे भरवाएंगे, फिर उसके बाद ही सिलेंडर वहाँ जाएगा रेवा के यहाँ, तो वहाँ से भरवाएंगे सिलेंडर भरवा के, इससे काम चालू हो जाएगा, दो सिलेंडर खाली होगा सकते। अब क्योंकि गैस का ही काम रहता है इसमें वेल्डिंग में, तो सही रहती है ये वाली वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग महंगी बहुत पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है ये वाली वेल्डिंग, क्या हो सकता है यार, क्या कि मैं ही रहता हूँ। और यहाँ पर मैं एडिटिंग करता हूँ टैबलेट रख के, मेरे पास टैबलेट है यार, लैपटॉप है नहीं, लैपटॉप था वो ख़राब हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मैंने रख दिया, सर्विस सेंटर भेज दिया, तो वो यार उसने कहा कि मदरबोर्ड ख़राब है तुम्हारे लैपटॉप का, तुमने कहा छोड़ो फिर क्या ही लेंगे, क्योंकि कितना यार 15,000 रुपये 30,000 रुपये का आ जाता लैपटॉप नया, अगर थोड़ा अच्छा लो तो वही पड़ता है 40,000-50,000 का। तो मैंने कहा छोड़ो भैया मेरे पास टैबलेट है, मैं इसे यूज़ कर लूँगा, मैं टैबलेट ही यूज़ करने लगा। दिखाऊँगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने एक चीज़ मंगाया था, मैंने 300 रुपये का मंगाया था, रेट 300 रुपये थे, तो मैंने मंगाया, देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, यह है रिंग लाइट, जो नहीं कैमरे में लगती है रिंग लाइट, मैंने वो मंगाई 300 रुपये की, तो मैंने देखा रिस्पांस अच्छा है उसका, तो मेरे को अच्छी भी लगी लाइट, सही ठीक ठाक है, और ज़्यादा अच्छी भी नहीं है लेकिन अच्छी है, सही है, बीच की है, मतलब कि ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छी नहीं ज़्यादा बेकार नहीं, मेरे को सही लगा लेकिन चीज़, क्योंकि यार रिंग लाइट बड़ी वाली आती है उसे रखना पड़ता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यार ड्रॉप डरवाएंगे जाकर, यार नींद भी आ रही, तो नींद सो लूँ, एक घंटा सोया था तो उससे ज़्यादा नींद फिर आने लगी, दोबारा नींद, मैं ड्रॉप डरवा लूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर सो जाऊँगा, फिर उसके बाद उठ जाऊँगा शाम के टाइम, फिर कहीं चलेंगे घूमने के लिए। तो गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग में एंड तक, चलते अंदर के लिए। चलो आप छोटा भाई बोल यहाँ से कुछ ले लूँगा, और भैया से थोड़ी बात करता हूँ, उसके बाद यहाँ चला जाऊँगा, दीदी को जो सामान है वो ले लेंगी, उसके बाद जाऊँगा यहाँ से। तो गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग में यहाँ पे, जो कोई मेरे को पसंद नहीं आ रहा यहाँ पे शूज, मैं भी देख रहा हूँ सूज वॉकर देखूँ मेरे लाइक नहीं है जब वॉकर, लेडीज वाले भी हैं जेंट्स भी हैं, और आगे बढ़ता हूँ मैं इधर से, देख रहा हूँ मैं भी सामान, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा मेरे को, अगर अच्छा लग गया तो ले लूँगा, वरना तो नहीं लूँगा, बैंड लगे पीछे लगे जस्ट। तो गाइस यहाँ से देखते हैं कोई ना कोई सामान अगर ले पाऊँगा ले लूँगा, अगर नहीं लेता हूँ तो चलता हूँ घर। काफ़ी सही मिठाइयाँ यहाँ पर, चॉकलेट पे पीछे कुकीज़ काफ़ी सारे बढ़िया लग रहा, लेकिन मेरे को नहीं लेना यार, मैं तो कैश लेकर नहीं आया था, इसलिए तो बाद में जल्दी जल्दी यहाँ पर करता हूँ बाहर घर पर के लिए, और से फ़ोन भी आ गया है, मैं बिस्किट ले लिया है परचेज़ करने जा रहा हूँ फटाफट, काउंटर कटाने के लिए बिस्किट, तुमने कहा एक और ले लो, तो एक के साथ दो के साथ एक फ्री है, तो इसलिए हमने
के ले लिए, दो दो कटाएंगे एक साथ फ्री मिल जाएगा, तो चलते हैं। तो वैसे फटाफट, तो यहाँ से फटाफट कटाते हैं इसके, उसके बाद जाएंगे यहाँ से घर से। तो कार्ड लिए थे, कार्ड बाकी कर देते हैं, उससे थोड़ा पेमेंट जो होता है थोड़ा कम जाता है, इसलिए भैया को कार्ड देते हैं बाकी। भैया बताएंगे कहाँ गए बाहर के लिए, काफ़ी देर अंदर आए यार, गर्मी भी लग रही थी अंदर, क्यों ए सी चलाते नहीं ना अब जो लोग पहले चलाते थे अपने घर पे। अब चलते हैं अंदर के लिए, काफ़ी लोग बैठे भी अंदर, कुछ लोग पापा के जो मिलने वाले आए हैं अंदर, काफ़ी लोग बैठे हैं, तो हम यार जा रहे ऊपर क्योंकि पापा ने मेरे को कुछ बता दिया, बोला है कोई रखा फल तो ले आओ नीचे, तो मैं वही लेने जा रहा हूँ फटाफट। जो अंकल लोग हैं वो लोग जा रहे हैं यहाँ से, एक भैया फाइनेंस वाले को भी जा रहे हैं, जो भैया जो आए दूसरे ई रिक्शे वाले को भी जा रहे हैं, उन्हें जाना निकलो भी तफलिए नीचे खड़े बात कर रहे हैं, काफ़ी देर से बात करते हैं। एक भैया और आए आशीष भैया, उनसे थोड़ी बहुत बात करते हैं, बात आलाप करते हैं, फिर उसके बाद चले जाएंगे ऊपर। फिर ये वाला तो कोई और ले रहा है, कौन सा ले रहे हैं, बीच वाला भी 500 रुपये कमाने हैं एक घंटे के अंदर, वो पता नहीं कैसे कमाएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा से कमेंट करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस।